ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी की नया शुरुआत करने के लिए आए हैं मुंबई। वाह यार, और ऐसे ही चलते रहना है आगे भी। आगे भी चलते चलते उस मुकाम को पा जाना है जिसके लिए अपना ये घर छोड़ कर आए हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, और नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ पे रात को आए थे तो मेरे एक फ्रेंड है, देखो ये, इसके साथ मैं रुके थे। और इस रूम को अभी हम खाली करने वाले, हमने एक नया फ्लैट लिया है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नए फ्लैट में। तो फाइनली हमने पैकिंग कर ली है, देखिए ये सब सामान, और इधर देखिए ये सब, और साथ में ये भी बंदा जाएगा, ये भी मेरा दोस्त है, ये साथ में ही रहेगा वहाँ पे। तो आपको हम दिखाने वाले हैं नया फ्लैट जो कि कैसा है, आप लोग ज़रूर देखें और बताइएगा भी कैसा है क्या है। और मुंबई में नया फ्लैट लेना समझ रहे हैं कितना सा है क्या है, ज़रूर आप देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बने रहे हैं हमारे ब्लॉग में। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं रास्ते पे, वर्सोवा विलेज के रोड पे भटकने के लिए। बजरंगी ठीक है, मीठी मीठी गलियों में हम लोग निकल चुके हैं। फाइनली हम मुंबई के गलियों में घूमते घूमते अपने रूम पे पहुंचने वाले हैं। बहुत ही जल्द हमारा फ्लैट आने वाला है, और देखिए पीछे भी हमारे दोस्त आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग फ्लैट में बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। रूम पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे तालान से चार लड़का अलाउ है। क्यों कर रहे हैं देखो हम? हाँ, ये हमारा नया फ्लैट है, लाइट जलाओ। हम लोग का न्यू फ्लैट यहाँ पे देखिए, अभी ये बाथरूम रहा, ये किचन, और ये देखिए सुपर स्टार ये हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे मशीन लगा है जो कि आपका नेटवर्क फुल कवरेज करके रखेगा, नेटवर्क भागने नहीं देगा। और इसमें आ चुके हैं, और आप लोग बने रहिए, शाम तक कंटिन्यूटी दिखाते हैं हम आपको। तो फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं डी मार्ट, यहाँ पे बाल्टी झाड़ू जो भी सामान मतलब ज़रूरत की है उसको लेने के लिए ट्रॉली ले लिया है, और डी मार्ट वेट भी कर रहे हैं। फाइनली हम लोग ड्रेस चलते हैं। अरे देखो सौरभ देहाती। और फाइनली हमने सामान डी मार्ट से ले लिया, और ये देखिए यहाँ पे बिलिंग करा रहे हैं। फाइनली यहाँ पे बिलिंग हो चुकी है, और ये सामान अब हम लोग बाहर निकलेंगे। आराम से बोल रहा है डॉक्टर बन। ये हमने ये चाकू लिया है, बर्तन लिया है, लेकिन बर्तन का साबुन पर बर्तन नहीं, ये ब्रश है, साबुन है, ये हैंड वॉश है, तो वॉश हम लोग यहाँ से, तो चलिए बाहर निकलते हैं। ये इंक्वायरी करने के लिए आ गई डी मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड है, ये इंक्वायरी के लिए आई है हम लोग को कैरी बैग का। ओ भाई क्या रहा है, अभी बिल्ली के साथ खेल रहा था ये। अभी हम डी मार्ट से बाहर निकल चुके हैं, अब चल रहे हैं रूम पे, तो हमारे अगले ब्लॉग के लिए बने रहिए। इस तरह हम लोग मोर्चा पर निकल चुके हैं, झाड़ू छाप मोर्चा पे। और ये साथ में डी मार्ट, तो काफ़ी खर्चा हो गया, जेब खाली हो चुका है हम लोग का। आज लग रहा है कि कहीं इधर उधर जाना पड़ेगा खाने के लिए, लेकिन नहीं जाएंगे। के लिए भी सामान ले लिए हैं, चावल ले लिए हैं, अंडा लिए हैं, और फिर नाइट में जाके शूट करेंगे। हाँ, नाइट में शूट होगा तो वहाँ पे खाना मिलेगा ही। तो थैंक यू सो मच, और शूट भी आपको हम दिखाएंगे। हाँ, मुंबई के अंधेरी के सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ सौरभ चौधरी से कि मतलब यहाँ पे आपको क्या फीलिंग हो रहा है, मुंबई के सड़कों पर पैदल आप चल रहे हैं, कभी सोचा होगा और आज चल रहे हैं? गरीबी के अलावा कुछ फीलिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी की नया शुरुआत करने के लिए आए हैं मुंबई। वाह यार, और ऐसे ही चलते रहना है आगे भी। आगे भी चलते चलते उस मुकाम को पा जाना है जिसके लिए अपना ये घर छोड़ कर आए हैं। तो आप सब इनको मतलब आशीर्वाद दीजिए कि अपना ये मुकाम पाएँ, और उसके साथ साथ इस वीडियो को भी प्यार कीजिए कि ये भी अपने मुकाम पर चला जाए, और साथ में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये एक लगता है इसको दे दे, नहीं नहीं ये हमारा गुमनाम फ्रेंड है, गुमनाम फ्रेंड जो मिल गया था, ये गुल है, मुझे मत लो धोखा में का गुल है, ये धोखा मूवी का गुल है ये।